परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, और जीतने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं ऑल डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करना चाहता हूँ, वो एक बहुत ही आला ओहदे पर फायज है। इज़ नॉट ओनली एन ऑफिसर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस बट ऑल्सो अ वेरी गुड एंड अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर एंड पोएट एज वेल। आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज आई हैव विथ मी एन IPS ऑफिसर ऑफ मुंबई, मिस्टर कैसर खालिद। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने IPS बनने का फैसला कब किया और इसके पीछे क्या रीजंस थे आपके? मैं जब भी इस सवाल का जवाब देता हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता चलूँ आपको, जिससे ये आपको आइडिया होगा कि फैसले कैसे और कब लिए जाते हैं। मेरा ताल्लुक़ बिहार के अररिया ज़िले से है। मैं एक गांव पदमपुर हमारा गांव है, वहाँ पैदा हुआ। हमारा ज़मींदारों का घर था, खेती ही मेन ज़रिए माश थी। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी माँ एक हाउसवाइफ हैं, मेरे दादा वो प्रैक्टिस करते थे रेवेन्यू मैटर्स की, और ज़मींदारी के अलावा ये काम भी करते थे। अगर आप उस इलाके में 1970s और 80s का माहौल देखेंगे देहातों में, और ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया या बिहार में, तो उस वक्त लोग बहुत छोटे छोटे सपने देखते थे कि टीचर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कॉलेज में कोई लेक्चरर बन जाएं, यही बड़े से बड़े सपने हुआ करते थे। उसके आगे कभी लोग ये सोचते नहीं थे कि वो सिविल सर्विसेज में भी बैठ सकते हैं, या और जो बड़ी नौकरियां हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, जैसे किसी कंपनी का CEO बन जाना, जैसे इंडिया का एम्बेसडर बन जाना, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन जाना, पुलिस में DGP बन जाना, या इंडिया के बाहर जाकर कोई अच्छा काम करना, नाम पैदा करना, ये सब ख्वाबो ख्याल में भी नहीं हुआ करता था। और लोग डराते थे बड़े सपने देखने से, और उसकी वजह ये थी कि उनको ये लगता था कि हम इससे ज़्यादा क्या कर पाएंगे, कहाँ तक जा पाएंगे। आज भी बहुत सारे जगहों में यही माहौल है कि जैसे ही आप कोई सपना देखेंगे तो लोग फौरन कहेंगे, अरे तुमसे होगा, तुम्हारे लिए कौन बैठा है, तुमको कौन लेगा, तुम्हारे लिए नौकरी है, तुम्हारे कोई रिश्तेदारी है, तुम्हारा कोई बड़ा है, कोई रिश्तेदार वहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हें ऐसा क्या है। लोग डराते हैं, लेकिन मैं उस ज़माने में भी पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौकीन हुआ करता था, और मैं किताबें पढ़ा करता था, जो किताबें मिल जाएँ। कभी वो कहानियों की होती थी, कभी अफसानों की होती थी, कभी नावलों की होती थी, रिसाले जो आते थे वो होते थे। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप पढ़ने लगिएगा तो आपको आपके माशरे से बाहर भी एक दुनिया नज़र आएगी, वो दुनिया जो शायद हमने देखी नहीं थी। तो मैंने हमेशा बड़े सपने देखे, मेरी कोशिश ये रही थी कि जो सब लोग करते हैं उससे अलग हट के भी कुछ किया जा सकता है। लोग बहुत डराते थे, कैसे होगा, कौन जानने वाला है, कौन रास्ता बताने वाला है, इसका पहले कोई गया है क्या। जिस जगह पे कोई नहीं गया है, अगर कोलंबस भी या वास्को डी गामा भी या कैप्टन कुक भी उस जगह पे नहीं जाते, तो शायद आज दुनिया में हम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या हिंदुस्तान आने का जो नेवल रूट, बहरी रास्ता है, ओशनिंग रूट है, हम डिस्कवरी नहीं कर पाते। तो वो सपने मैंने देखे, और मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं उनको हासिल करूं। तो धीरे धीरे जब आप अभी यूँ समझ लीजिए कि गेट खुलते रहते हैं, जब आप उस हवाले से पढ़ने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं, लोगों को पूछने लगते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देख करके ये लगने लगता था कि हम लोग क्या उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां ये पहुंचें। तो ये फिर मैंने कोशिश की, और ये बिल्कुल आप ये कहिए कि फैसला कर लिया कि अब करो या मरो, जो करना है उसके लिए जितनी मेहनत करनी है, जितनी जाँफेशानी करनी है, जितनी कोशिश करनी है करनी है, लेकिन पहुँचना है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो आपकी हिम्मत को बंधाते भी हैं, बहुत सारे लोग रास्ता भी दिखाते हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे हंसते हैं आप पे, आपको दीवाना कहते हैं, आपको पागल कहते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं, और कहते हैं अरे छोटी मोटी कोई नौकरी कर लो, अपने अच्छे से ज़िंदगी गुजारो, ज़मीन तो तुम्हारे पास है ही, खेती कर लेना। लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि ज़िंदगी चूँकि आदमी को एक ही बार मिलती है, और उसी ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी करना है कर गुजरना है, तो क्यों ना उसका बेस्ट इस्तेमाल किया जाए। सो कोशिश मैंने ये की कि मैं उन सपनों के पीछे भागूं, चलूं, उनको हासिल करूं, और अल्लाह का शुक्र मैं मानता हूं कि मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। अगर आप हमारे गांव में देहातों में जाकर देखिएगा, या जिन माशरों से हम लोग आते हैं, छोटे शहरों के बच्चे, देहातों से आने वाले ऑफिसरान,
जब उनके माहौल को जाके देखिएगा तो आपको शायद यकीन आज भी नहीं होगा कि यहाँ से लोग निकल सकते हैं। आज भी हमारे इलाकों में, अब तो रोड बन गई पक्की, अब बिजली पहुँच गई और पीने का पानी तो अभी भी हमारा ट्यूबवेल से ही आता है, तो ऐसी हालत है। मार्केट नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पहुँचता है, अब टीवी जाके पहुँचा है, वो बैटरी से चलने वाली और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये सिचुएशन है। मैं इसलिए ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि लोग मेरे आज को देखते हैं और मेरे कल को नहीं देखते हैं, कि जिस माहौल में मैंने आँख खोली और जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया वो सफ़र कितना मामूली सफ़र था। और लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि कितना ही लंबा सफ़र हो, कितना ही अजीम सफ़र हो, वो पहले कदम से शुरू होता है। तो पहला कदम तो आप उस डायरेक्शन में लीजिए और आप इस बात को पाइएगा कि अगर आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो आपको मदद करने वाले लोग भी बेशुमार हो जाएंगे, जो कहाँ कहाँ से निकल पड़ेंगे मामूली पता नहीं, लेकिन वो आपको गाइड कर देंगे, समझा देंगे, बता देंगे। और मैंने ये पाया है कि जो भी आदमी इल्म की तलब रखता है, नॉलेज का सीकर है, उसको नॉलेज देने के लिए बेशुमार लोग खड़े हैं। आप सिर्फ मांगिए, आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल। तो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स नॉर्मली सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहले तो मैं ये बताऊँ कि किसी एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बुनियाद अपनी वहाँ से है। सिविल सर्विस तो बिल्कुल यूँ है कि जैसे आप एक मकान बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन लेते हैं। फाउंडेशन लेने के बाद आप फाउंडेशन पे डिसाइड करते हैं कि कितने फ्लोर का मकान बन सकता है। मकान अगर 100 फ्लोर का बनाना है तो फाउंडेशन उतनी ही मजबूत होगी। और आपने अगर देखा होगा, जैसे हम आइसबर्ग के बारे में कहते हैं या इवन आजकल हमारे शहरों में जो मकान बनते हैं, मकान जितना ऊंचा होगा उसकी फाउंडेशन उतनी ही गहरी होगी। तो यही ज़िंदगी का उसूल है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। जितनी ऊंची उड़ान का हौसला है, फाउंडेशन उतना मजबूत होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को भी कि आप पढ़ाई कैसे करें। देखिए, पढ़ाई करने के कई तरीक़े हैं। एक तरीका तो ये कि आपने चीज़ों को याद कर लिया, रट लिया, जो सवाल आए उसके जवाब आपने याद कर लिए। ये शुरू शुरू में कम होता है, मामूली होता है, छोटे सवाल होते हैं, जवाब भी छोटे होते हैं, आसानी से आदमी याद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में कम आएगी और आप अपनी मेमोरी पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, लेकिन आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे। हद तक कि मैंने ये भी देखा कि लोग बड़े बड़े एसेज याद कर लेते हैं, 5-10-15 पेजेस के एसे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। रटना आपको बहुत दूर तक लेकर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ों को समझ के पढ़ना शुरू करें। समझ के कैसे पढ़ते हैं, मैंने अक्सर बताया है कि आप 5 W के हिसाब से चलिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। क्योंकि आप ये वीडियो मोस्टली स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, इसीलिए मैं उस हवाले से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आप उसको लिख लीजिए और ये 5 सवालों का जवाब उसमें देना शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ जो दुनिया में होती है उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होती है, उसका एक इवोल्यूशन होता है, वो एक ढंग से बढ़ती, फलती, फूलती और फिर ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, चीज़ें कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई, किस वजह से हुई, किस वक्त में हुई, वो इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ और फाइनली अगर उसका कोई अंजाम हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब आप चीज़ों को यूँ समझकर पढ़ेंगे तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट पर पकड़ आनी शुरू हो जाएगी। सवाल कैसा भी आने दो, आप जवाब लिख पाएंगे। तो ये बुनियाद है। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना समझा है, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। जो नहीं बन रहे हैं वो किस लिए नहीं बन रहे हैं, आपको बात समझ में नहीं आई, आपके किसी स्टेप में गलती हो रही है, आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अमूमन जो बच्चे साइंस से या मैथ से घबराते हैं उसकी वजह यह होती है, या तो वो समझ में नहीं आता कंसेप्ट, या प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपको परफेक्शन की तरफ आपका सफ़र जाएगा, आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ना साइंस है, ना मैथ्स है, ना कोई और पेपर है। सवाल यह कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये तरीका होता है पढ़ाई का। सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन के लेवल का करियर है, मतलब के जो क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रेजुएशन के लेवल के होंगे। तो ग्रेजुएशन के लेवल तक जो नॉलेज आपको आनी चाहिए वो तब तक आना ज़रूरी है। अब जब आप ग्रेजुएट हो जाइएगा तो आपका GK या GS भी ठीक ठाक हो जाना चाहिए। आपका इंडिया के बारे में नॉलेज,
क्योंकि हम इस देश में रहते हैं तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, इसकी हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, इसकी इकोनॉमी, इसकी सोसाइटी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पॉलिटिकल सिस्टम और जनरल जो मैथमेटिकल सम्स हैं, जैसे आप एवरेजेस रखिए या ग्राफ्स रखिए, रेशियो प्रोपोर्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, परसेंटेजेस हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। फिर हमारे सोसाइटी में एक इथिक्स है, एक मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। गांधीयन थॉट के बारे में अभी डाला गया है, तो इन तमाम चीज़ों को आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए। अगर आप सिविल सर्विस का गोल ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन से ही धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो एक अच्छा न्यूज़पेपर आप पढ़ें। अब आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ मैगजीन्स आ रही हैं, इंडिया टुडे है, फ्रंट लाइन है, द वीक है, ऐसी मैगजीन्स आप पढ़ना शुरू कर दें। सबके अब तो जो वर्शन हैं, टैबलेट वर्शन या मोबाइल के वर्शन भी आ जाते हैं, तो आप उसको वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जैसे कि मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप तहैया कर लें कि अब मुझे एग्ज़ाम देना है, मतलब आपका ग्रेजुएशन अब पूरा हो गया है या होने वाला है, तो एक साल आप इसके लिए डेडिकेट कर दें। और डेडिकेशन का मतलब ये कि फिर इन कोर्सेज को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लें। पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, वो निकाल लें आप, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको आइडिया होगा कि आपको कितना आता है इसमें से। जो नहीं आता है उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं आता है उस एरिया को देखिए, उसको पढ़िए, क्या वो एरियाज़ हैं, क्या वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन आता है ऑप्शंस के बीच में, वो कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है, उसकी कोई वजह होगी, उस वजह को दूर कीजिए। मतलब ये कि उस चैप्टर को आपको फिर से पढ़ना है, और जिस एरियाज़ में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब है आपने वो ठीक ठाक पढ़ लिया है। फिर ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को भी आपको क्वेश्चन पेपर पिछले 20-25 साल का देख करके पता लगाना पड़ेगा कि आप कितना उसमें से जानते हैं। एक बात समझ लीजिए कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वो अमूमन क्रॉस रेफरेंसिंग होती है, वो एक क्वेश्चन के कई हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से आपस में किसी ढंग से रिलेटेड होंगे, तो आप सीधा क्वेश्चन रट करके नहीं रिप्लाई कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट को समझना होगा, चीज़ों के बीच की रिलेशनशिप को समझना होगा, और फिर उस हिसाब से वहीं पे उस सवाल का जवाब बनाना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। लिखने की भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ऐसे राइटिंग भी है अलग अलग कि आप धीरे धीरे करके आप यूँ समझ लीजिए, ऐसे लोग माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ते हैं, तो पहले तैयारी करते हैं जाकर, कई महीनों की सख्त तैयारी होती है, फिर चढ़ते चढ़ते एक बेस कैंप है वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर बेस कैंप से आगे मेन चढ़ाई शुरू करते हैं। तो सिविल सर्विस भी ऐसी ही है कि आप तैयारी स्टार्ट कीजिए, बेस कैंप तक पहुँचे मतलब बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज आपको आ जाए, और उसके आगे एक साल जैसे मैंने बताया, दो साल जो भी हो, उसकी शदीद मेहनत के लिए आप तैयार हो जाइए, तो फिर आप ऊपर की चढ़ाई चढ़ लेंगे। तो अलग अलग के सिविल सर्विसेज हो या कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, उसमें तैयारी का तरीका अप्रोच जो है वो कॉमन है। कॉमन ये है कि सब्जेक्ट पे कमांड, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी, और स्पेसिफिक जो ऑप्शनल है अगर उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसके बारे में एक अच्छी जानकारी, ये शर्त है, ये करना ज़रूरी है, तब जाकर आप कामयाब होंगे। और सर, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके पास IAS और IPS के अलावा और क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, जब आप ग्रेजुएशन के लेवल पे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो आप देख लीजिए कि किस फील्ड से हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में 15-17 सर्विसेज हैं, 20 सर्विसेज हैं, जैसे आपने दो सर्विसेज का नाम लिया, फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है जिसमें इनकम टैक्स की सर्विस है, कस्टम्स की सर्विस आती है, उसके बाद रेलवेज की कई सर्विसेज हैं, रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, रेलवे पर्सनल सर्विस है, रेलवे अकाउंट सर्विस है, फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, फिर आपको ऑर्डिनरी अकाउंट की सर्विसेज है, डिफेंस अकाउंट है, सिविल अकाउंट है, उसी ढंग से सर्विसेज है जैसे दिल्ली डैनिक्स जिसको कहते हैं, वो उसकी जो सिविल सर्विसेज है डैनिक्स की, या डैनिप्स जो उसकी पुलिस सर्विस है UTs की, वो सर्विस है। फिर अगर आप देख लीजिए तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है। इस ढंग से वो जब आप प्रीलिम्स की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो पूरी लिस्ट आ जाती है, बल्कि जब उसका एडवर्टीजमेंट आता है तब भी वो लिस्ट आती है। इसके अलावा और भी कई सर्विसेज हैं जिसके लिए अलग से एग्ज़ाम होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक बड़ी प्रीमियर सर्विस है जिसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, रेलवेज़ की इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है। कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज है, उसके लिए एग्ज़ाम होता है।
इसके अलावा ग्रेजुएशन के लेवल पे और कई चीज़ें हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, बैंकिंग की सर्विसेज, जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की सर्विसेज आप कहते हैं, तो ये गवर्नमेंट में है। प्राइवेट में बेहिसाब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ग्रेजुएशन करने के बाद MBA कर सकते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग में है। अब तो इतने एरियाज आ गए स्पेशलाइजेशन के कि अगर आप सच्चे दिल से पढ़िएगा और आप सब्जेक्ट पे कमांड कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी में कोई प्रॉब्लम अब आएगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, उन्हें नॉर्मली ये होता है कि जैसे उनको 15-16 आवर्स दिन में स्टडी करनी होती, तो आपके हिसाब से डेली उनको कितने घंटे स्टडी करने की ज़रूरत होती? देखिए, एक तो मैंने ये सबको बेस कैम्प की मिसाल दी कि उस वक्त तो आप 8 घंटे 9 घंटे अगर पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाता है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ और मानते आया हूँ कि पढ़ाई का मतलब ऐसी पढ़ाई है जो आप किताब से निकल के आपके दिमाग में जाए, वो पढ़ाई ही पढ़ाई होती है। अगर वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपका दिल नहीं लग रहा है, आप थक गए हैं, आपको नींद आ रही है, तो आप बिल्कुल किताब बंद कर दीजिए, आराम कीजिए, कोई और काम कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटा बैठ करके स्लॉगिंग कीजिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक दिल लग रहा है, समझ में बात आ रही है, तब तक पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर इसके घंटे कम हो रहे हैं तो धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये तभी मुमकिन है जब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना अपने आप में बड़ी बहुत ज़रूरी और बहुत अहम चीज़ है। एक, मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा तो मैं 8-9 घंटा पढ़ा करता था और मेंस में 12 घंटे तक पढ़ाई, फोकस पढ़ाई की है। और मैं हमेशा ये बताता हूँ कि लिख के पढ़ा करो, जो चीज़ आप समझ में आ रही है उसको लिखते जाओ, पॉइंट वाइज लिखते जाओ। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। पढ़ के लिखना शुरू करेंगे तो आपको डबल रिविज़न हो जाता है उसी जगह पर, तो आपको चीज़ें याद होंगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जैसे ही चीज़ों की रिलेशनशिप आपको समझ में आ रही है, आप उसको लिख के एरो मार करके, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा होगी, इस वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से यहाँ आया, यहाँ आया, इस ये चीज़ आती है, ये इसको मिलती है, उसके बाद ऐसा हो जाता है। जैसे आप बहुत सिंपल चीज़, जैसे वाटर साइकिल आप पढ़ते हैं, वाटर साइकिल क्या है कि पानी की जो एवोपरेट होता है समुद्र से, नदियों से, झीलों से, आपने लिखा दिया, एक समुद्र दिखा दिया, एवोपरेट हो गया जी, तो क्लाउड बन गया। क्लाउड होने के बाद जिधर क्लाउड का मूवमेंट होता है, लो प्रेशर एरिया है, उधर वो जाएगा, जाते जाते ऊपर भी उठ रहा है, उस तरफ भी जा रहा है, तो ठंडा होने लगेगा, ठंडा होगा तो पानी बन जाएगा। पानी का जब ड्रॉपलेट इतने हो जाएंगे कि उस वेट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो नीचे गिरना शुरू होगा, तो बरसना शुरू होगा, बारिश होगी, फिर बारिश से नदियों में पानी आएगा, झीलों में पानी जाएगा, वापस समंदर में जाएगा। तो एक पूरी साइकिल ऐसे बन जाती है। तो लिख के आप पढ़िएगा तो आप कभी भी किसी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। इसी ढंग से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसूलन में ये बात बता रहा हूँ कि आपको लिख के पढ़ना चाहिए, चाहे साइंस हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू होगी। सर, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू पास IPS एग्ज़ाम? जैसे आपकी हिकमत अमली क्या थी, आपने किस तरह से प्रिपेयर किया IPS के? देखिए, हिकमत अमली में सबसे बड़ी चीज़ होती है यकीन अपने पे और अपने परवरदिगार पे, और उसकी रहमत से कभी ना मायूस होने का जज्बा। क्योंकि ये तैयारी मुश्किल है, इसमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, ये ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पे आता है जब आपके सामने और भी बड़ी चॉइसेस होती हैं। आप जवानी में दाखिल होते हैं और पढ़ने में लग जाते हैं, 1000 काम और करने को हैं, फिल्म देखना है, खेलना है, दोस्तों से मिलना जुलना है, प्यार मोहब्बत भी इसी दौर में आदमी को हो जाता है, और 100 चीज़ें हैं, तो क्या करेगा आदमी? तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि भरोसा खुद पे होना कि भाई मैं इसको कर सकता हूँ। देखिए, बाकी चीज़ें आती रहेंगी, ये ज़िंदगी कुछ हटने वाली नहीं है। वैसे मेरा मशवरा ये है कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए सीना सपर हो जाएं, डट जाएं, तो जो हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि बेटा संन्यास ले लो, वो 1-2 साल के लिए संन्यास ले लो। संन्यास का मतलब ये होता है कि जैसे सन्यासी चला गया, किसी पेड़ के नीचे बैठ गया, किसी गुफा में चला गया, और अपना जो है इबादत उसने शुरू कर दी। बिल्कुल आप इबादत के इस पर बैठिए, हुजरे में चले जाइए, अपने आप को ज़रा काट लीजिए और बाकी चीज़ों से 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कि जब तक मैं कामयाब नहीं होता हूँ ना, मैं इधर ही रहूँगा, मेरी इबादत यहीं चलेगी। और उस दरमियान आपका फोकस जो है वो बुनियादी तौर से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कि आप अपनी कमियों को, गलतियों को, कमज़ोरियों को कैसे कम से कम करते हैं और अपनी अच्छाइयों को कैसे बढ़ाते हैं। तो मैंने हमेशा पहले ये कोशिश की कि ग्रेजुएशन पास होते होते मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक की किताबें पढ़ लूँ, कि मेरा नॉलेज दूसरों से थोड़ा ज़्यादा हो जाए।
फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है जैसे जनरल स्टडीज़ है उसको पढ़ते जाऊँ धीरे धीरे करके, और बरसों में जा करके आपका बेस इतना मजबूत होगा कि आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा ये था। तीसरा ये था कि अगर कभी हमने वक्त गुजार दिया इधर उधर, गाँव चले गए, पढ़ाई नहीं हुई 10 दिन 15 दिन, तो उस पर अफसोस नहीं करने का, वापस आके लग जाने का, अपनी गलतियों से सीखने का। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखिएगा तो फिर आपको जो है मुश्किल हो जाएगी। अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी इसलाह कीजिए। तो मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत हो जाए, चीज़ें फ़ौरन मिल जाएं, लेकिन अगर आप उस रास्ते पे चलते रहे तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज आप एक IPS ऑफिसर हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आदमी को कभी मगरूर नहीं होना चाहिए। जो आपको मिला वो आपके रब की इनायत है और आपको एक मौका दिया गया है पब्लिक सर्विस के लिए। तो मेरी कोशिश हमेशा से ये रही है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँ, इस कुर्सी को खाली कर दूँ और पलट कर देखूँ, तो मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास वक्त था, मौका था, मैं चाहता तो ये कर सकता था और मैंने नहीं किया। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मेरे से जितना हो सकता है उतने लोगों की खिदमत कर जाऊँ, दुआएँ उतनी लूँ। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे एक बेहतर याद छोड़ के जाऊँ और काम के हवाले से उस जगह को एक बेहतर जगह बना कर जाऊँ, ताकि मुझे कभी इस बात का रंज नहीं हो कि मेरे पास मौका था लेकिन मैंने नहीं किया। यही कोशिश मैं दूसरों को वो भी करने के लिए कहता हूँ, और यही मैं उनको बताता हूँ कि जिस जगह पर भी हैं, जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप प्यून भी हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सबसे अच्छे प्यून बने। आप जिस जगह पर हैं ज़िंदगी में, आप टीचर हैं, हाँ, तो सबसे अच्छे टीचर बनिए। मेरे जो भी टीचर्स हैं थे, उसमें से कुछ लोगों के नाम आज भी याद है मुझे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वक्त हमें संभाला, उस वक्त रास्ता दिखाया, उस वक्त हौसला बढ़ाया जब हम कुछ नहीं थे। तो हमेशा आदमी को शुक्रगुजार होने चाहिए और उसके ज़मीन पर कदम होने चाहिए, धरती से जुड़ा होना चाहिए, लोगों से जुड़ा होना चाहिए। और मैं हमेशा इस बात को समझता हूँ और मानता हूँ कि इस समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ ना कुछ इसको वापस करके जाना चाहिए। तो मैं इस बात के हमेशा ख़िलाफ़ रहता हूँ कि आप ऑफिसर बन गए, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी में चले गए, तो आप समाज से कट जाएं, आप गरीबों से कट जाएं, ऐसे लोग जो इतने खुश नसीब नहीं हैं जितने कि आप हैं, उनसे कट जाएं। हमेशा उनसे शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस, उनको रास्ता दिखाइए, उनकी मदद कीजिए, ताकि आप जैसे सैकड़ों लोग आ सकें यहाँ पर मैदान में। और मैं समझता हूँ कि ये तालीम का भी हक़ है और हमारे मुल्क का, हमारे समाज का भी हम पे ये हक़ है। और सर, लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स और स्पेशली स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके ज़रिए आपके तमाम व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप हौसला कभी ना हारें और कभी भी इन सुनी सुनाई चीज़ों पे यकीन ना करें कि आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपको कोई नहीं लेगा, आपके साथ कोई पार्शियलिटी करेगा। जब तक आप खुद पहुँचेंगे नहीं, तब तक आप कह ही नहीं सकते। आप अपने आप को कैपेबल बनाएं। जैसे कि बहुत पहले मुझे एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि पहले लायक बनो फिर ख्वाहिश करो, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले उस लायक बनिए फिर ख्वाहिश कीजिए, फिर नहीं मिले तो फिर आप कह सकते हैं। आज बदकिस्मती यह है कि हम लायक बने बिना ख्वाहिश करते हैं। ज़िंदगी का ये तरीक़ा ही नहीं है कि वो आपको प्लेटर पर कोई चीज़ ला कर पेश करेगी, कोई नहीं करता है। खाना खाने के लिए भी, दूध के लिए भी बच्चे को रोना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है माँ को कि मुझे भूख लगी है, तब उसे दूध मिलता है, तब उसे खाना मिलता है। आप अगर ये मेहनत नहीं किए होते आज, तो आप भिवंडी से यहाँ नहीं आते। तो कोई भी आदमी आपको थाल पे कोई चीज़ पेश नहीं करने वाला है, ये आपको खुद मेहनत करके, हिम्मत करके लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि दुनिया परफेक्ट जस्टिस की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ आपको आजमाया जाएगा। जस्टिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कहीं आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो बिल्कुल हौसला ना हारें। कोई ना कोई आपकी तदबीर काम ज़रूर आएगी, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप ज़रूर लगेंगे। बहुत सारे हमारे वो दोस्त जो सिविल सर्विस नहीं क्वालीफाई कर पाए, आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं प्राइवेट सेक्टर में और बहुत आगे भी चले गए। तो उस वक्त उनको अफसोस होता था, अरे यार मेरा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं देखता हूँ ये 24 साल बाद कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक जगह कामयाबी नहीं मिली तो हो सकता दूसरी जगह आपके लिए हो। तीसरी बात कि हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपनी जो नाकामियां हैं उसकी वजह खुद में तलाश करने कोशिश कीजिए। दूसरे में कभी अपनी नाकामी की वजह मत तलाशिए। लोगों को आप नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। तो जो भी नाकामी हुई है, उसमें जो कमज़ोरी रह गई, जो कमी रह गई,
मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मेरे अंदर क्या कमी है और मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूँ। हमेशा ये सवाल कीजिए, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा करता, वो ऐसा चाहता तो हो सकता था। इसका मतलब है कि आप भिखारी बन गए हैं, आप हाथ दूसरे के सामने फैला रहे हैं। आप अपनी सलाहियतों पर गौर कीजिए, उसको बेहतर कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और अपने रब पर भरोसा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। लास्ट में आपकी कोई फेवरेट शायरी जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे? दो अशार, बल्कि एक मतलब और एक शेर के, छुपके सीने में एक आँख सी तो रहे, छुपके सीने में एक आँख सी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे, शहरे जामे कहीं रोशनी तो रहे। यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो आदमी को कम से कम आदमी रहना चाहिए। और दूसरा शेर के, मायूस हो के जहदे मुसलसल न छोड़ना, मायूस हो के जहदे मुसलसल न छोड़ना, ज़ख्मों के बाद हाथों में गौहर भी आएंगे। तो हमेशा इस उम्मीद पे कि ला तुक़नितु मिन रहमतुल्लाह, रब की रहमत से कभी मायूस ना हो, इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। शुक्रिया।